मैं एक बात कहना चाहता हूं कि महबूब की जुल्फों के पेचोखम संवारने हो या सियासत पर बेबाक तबसरा करना हो, जनाब कुंवर जावेद अपने अंदाज से पहचाने जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत लहजे में अपनी बात को सलीके के साथ कहना, ये उनकी शायरी का हिस्सा है। मैं उन्हें मुबारकबाद भी पेश करता हूं, गोवंडी के लोगों को भी इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूं कि इस मुशायरे में जनाब कुंवर जावेद अपने कलाम से नवाजेंगे। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाए और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। अदावतों को भी शाइस्तगी से लेना है, अब इंतकाम बड़ी आजीजी से लेना है। मैं अपने घर में अकेला कमाने वाला हूं, मुझे तो सांस भी आहिस्तगी से लेना है। साथियों, थोड़ा इको देना। मोहतरम अबू आसिम आजमी साहब का खुद फोन आना एक बड़े एजाज की बात है। हमारी कौम में हीरे ज्यादा हो सकते हैं लेकिन हीरो सिर्फ एक ही है। वो गीत मैं ज़रूर पढ़ना चाहूँगा, वक्त इतना तंग है, कम है, लेकिन मैं दो तीन शेर गज़ल भी सुना दूँ। पढ़िए पढ़िए। मेरे दोस्तों, और बहुत दिनों बाद मैं गोवंडी आया हूँ। बहरहाल मैं वो गीत इसलिए पढ़ना चाहता हूँ कि वो सिर्फ मैंने आसिम भाई के लिए लिखा था, जो उनकी ज़िंदगी है, जो उनकी सोच है, जो उनकी फिक्र है। और सैफई महोत्सव में जब अखिलेश जी की सरकार थी तो मैंने तमाम पूरी सरकार, मुलायम सिंह जी सब बैठे थे, मैंने वो गीत वहाँ आसिम भाई का नाम लेके पढ़ा था। इतना अच्छा सुना गया था वो, बस मैंने इतना और जोड़ा था कि आदरणीय मुलायम सिंह जी, जिस तरह से आपने ज़िंदगी गुजारी है, गुजार रहे हैं, सियासी एतबार से हमारे अबू आसिम आज़मी साहब भी कम नहीं हैं, उनको नेशनल लेवल पर लाना चाहिए और कुछ ना कुछ डिक्लेयर करना चाहिए उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम्स नेता बहुत हैं लेकिन जिस तरह का चाहिए उस तरह का नहीं है। मैं तीन शेर हाजिर करता हूँ और उसके बाद वो गीत ज़रूर पढ़ूंगा, मेरी जिम्मेदारी भी है, मेरा दिल भी है, मेरा मन भी है। पढ़िए जावेद भाई, पढ़िए। मतलब सुने, आप सबकी इजाजत चाहता हूं, खास तौर से कोई तमहीद कोई भूमिका नहीं है। यो हुआ आपके भाषण पे भरोसा करके, क्या कहना मतलब उठाइए साहब। यो हुआ आपके भाषण पे भरोसा करके, वाह, छू लिया सांप को चंदन पे भरोसा, वाह 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 वाह। यू हुआ आपके भाषण पे भरोसा करके, क्या कहना। छू लिया सांप को चंदन पे भरोसा करके, वाह वाह वाह। और बहुत कुछ पढ़ा गया, मेरा शेर भी सुन लीजिए, बहुत छोटा सा शेर है। अपने तुम वादों की कलियों को खिलाना साहब, अपने तुम वादों की कलियों को खिलाना साहब, तितलियां आई है मधुबन पे भरोसा, वाह 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 वाह। तितलियां आई है मधुबन पे भरोसा करके। और आखिरी शेर उसके बाद वो इरशाद, इरशाद। ध्यान भी रखना किसानों की ना आंखें बरसे, ध्यान भी रखना किसानों की ना आंखें बरसे, ध्यान भी रखना किसानों की ना आंखें बरसे,
फसल बोते हैं ये सावन पे भरोसा वाह, क्या कहना वाह। जो जिस तरह से मैं लिखता हूँ मैंने आपकी खिदमत में पेश किया, अब अगर इजाजत दें तो वो गीत मैं पढ़ दूं। जी जी जावेद भाई पढ़िए पूरे वो गीत, तो सब लोग सुनना चाहते हैं और सारे लोग सुनना चाहते हैं, तो एक बार सारे लोग मिलकर ताली बजा दीजिए। हाँ जी जावेद भाई पढ़िए। आसिम भाई मुझसे फोन पे मना कर देते हैं कि वो गीत नहीं पढ़ना है, तो मुझे सच साबित कर दीजिएगा कि मैं अपनी जगह सही हूँ। मैं मुखड़े से 2-3 बंद हाजिर करता हूँ, इजाजत चाहता हूँ। मैं वो सूरजमुखी हूँ जिसने, मैं वो सूरजमुखी हूँ जिसने सूरज के आदेश पे यारो खिलने से इनकार कर दिया। मैं वो सूरजमुखी हूँ जिसने सूरज के आदेश पे यारो खिलने से इनकार कर दिया, खिलने से इनकार कर दिया। मन सुने, मंच भी सुने, इरशाद। रास्ता मेरा स्वाभिमान है, मंजिल मेरी आसमान है, धरती मुझको है मुट्ठी भर, मेरी अपनी अलग शान है, मेरी अपनी अलग शान है। क्या कहना वाह। मैं वो भिखारी हूँ के जिसने, मैं वो भिखारी हूँ के जिसने द्वार पे आए राजाओं से मिलने से इनकार कर दिया, मिलने से इनकार कर दिया। दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि आप तालियां बजाएं, दाद दें, मैं ये करूंगा कि आप महसूस करें, डीपली महसूस करें। तो एक बार जरा सा इजाजत दें कि आप मेरे साथ साथ हैं, कहीं और नहीं। रास्ता मेरा स्वाभिमान है, मंजिल मेरी आसमान है, धरती मुझको है मुट्ठी भर, मेरी अपनी अलग शान है, मेरी अपनी अलग शान है। वाह वाह वाह। मैं वो भिखारी हूँ के जिसने, क्या कहना, द्वार पे आए राजाओं से मिलने से इनकार कर दिया, मिलने से इनकार कर दिया। बंद दूसरा देखें। मैं हूँ शिकारी हर शिकार का, क्या कहना, मैं हूँ पुजारी अश्रुधार का, सांसे मेरा नकद का सौदा, मन से विरोधी हूँ उधार का, मन से विरोधी हूँ उधार का। मैं वो नील कमल हूँ जिसने, मैं वो नील कमल हूँ जिसने अब लहरों के रहम करम पर पलने से इनकार, क्या कहना, क्या कहना, पलने से इनकार कर दिया। मैं वो सूरजमुखी हूँ जिसने सूरज के आदेश पे यारो खिलने से इनकार कर दिया। हारी रात अमावस वाली, क्या कहना, मेरा जीवन एक दिवाली, हारी रात अमावस वाली, मेरा जीवन एक दिवाली, मेरे लहू की एक बूंद है, सूरज के चेहरे की लाली,
सूरज के चेहरे की लाली, मैं वो अछूता दिया हूँ जिसने, मैं वो अछूता दिया हूँ जिसने, सूरज की किरणों की मदद से जलने से इनकार कर दिया, जलने से इनकार कर दिया। आप महसूस कर रहे हैं मुझे तालियों की जरूरत नहीं है, दो बंद इसमें और है, हाजिर करता हूं, ये भी सुन लें। कदरदान हूं फूलों का, मान बढ़ाते जो शूलों का, एक सम्मानित परचे झलके जिनमें सावन के झूलों का, जिनमें सावन के झूलों का, मैं वो भंवरा हूं के जिसने, वाह, मैं वो भंवरा हूं के जिसने खुशबू के संग चार कदम भी वाले इनकार कर दिया, कहना क्या चलने से इनकार कर दिया। और बहने खासतौर से ये आखिरी बंद सुन ले, खासतौर से, कभी किसी की चाह नहीं की, क्या कहना, अपनी भी परवाह नहीं की, कभी किसी की चाह नहीं की, अपनी भी परवाह नहीं की, तोड़ी खुल कर परंपराए भूले से भी आह नहीं की, वाह वाह, भूले से भी आह नहीं की, क्या कहना, मैं वो सूरज हूँ के जिसने, मैं वो सूरज हूँ के जिसने शाम की मनमानी ठुकरा दी, ढलने से कर दिया, ढलने से निकाल कर दिया, क्या कहना, क्या कहना, मैं वो सूरजमुखी हूँ जिसने सूरज के आदेश पे यारो खिलने से निकाल कर दिया, खिलने से निकाल कर दिया। बहुत शुक्रिया।